इस वीडियो में यार हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के कॉन्सेप्ट्स को। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे पावर, उसके बाद सॉरी सबसे पहले देखेंगे पावर, फिर उसके बाद देखेंगे अथॉरिटी और लास्ट में देखेंगे लेजिटिमेसी। तो और हमेशा की तरह इस बार भी इस लेक्चर का जो PDF नोट्स है वो आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। साथ ही जो स्ट्रिक्टली स्टूडेंट है उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पर मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स और GK के MCQs साथ ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्टडी मोटिवेशन से रिलेटेड रील्स अपलोड करता रहता हूँ। जब मैं यहाँ एक्टिव नहीं रहता तो मैं वहाँ लगभग हर दिन या दूसरे दिन पोस्ट करता ही रहता हूँ। तो आप वहाँ जा करके उसको भी चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। और बाकी अगर आप नोट्स डाउनलोड कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। ठीक है, तो अब यार शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बेसिक मीनिंग हमें समझनी पड़ेगी पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी की। पावर जो होता है वो होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, आपके पास क्षमता है कोई चीज़ कर पाने की, उसे कहते हैं पावर। अथॉरिटी है द राइट टू डू समथिंग, आपका हक है कुछ चीज़ कर पाने का, उसे कहते हैं अथॉरिटी। लेजिटिमेसी द कंसेंट टू डू समथिंग, आपके पास लोगों का कंसेंट है कोई चीज़ कर पाने का, तब आपके पास लेजिटिमेसी होता है। ये आसान शब्दों में है, ये चीज़ आपको बेसिक लेवल पर तैयार होनी चाहिए इससे पहले कि आप कॉन्सेप्ट को वन बाय वन अच्छे से पढ़ो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे भी ज़्यादा, वो कि ऑल ऑफ द थ्री आर इंटरकनेक्टेड। ये बात याद रखिएगा कि आप पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी को अकेले अकेले आइसोलेशन में नहीं समझ सकते कम्प्लीटली। अगर आपको इन्हें पूरी तरीके से समझना है तो इनके बीच के कनेक्शंस को भी समझना पड़ेगा, और तीनों के बीच कनेक्शन एग्जिस्ट भी करता है। अथॉरिटी का पावर के साथ कनेक्शन है, लेजिटिमेसी का अथॉरिटी के साथ भी कनेक्शन है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि तीनों अलग 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 कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं, और यही बात इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी बनाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम पावर को देख लेते हैं। पावर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कैन बी अंडरस्टूड, दो तरीके से हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को समझ सकते हैं, पॉलिटिकल टर्म्स में और लीगल टर्म्स में। तो भाई पॉलिटिकल टर्म्स में क्या मतलब होता है पावर का? पावर सिंपली मीन्स टू मैनिपुलेट और टू सप्रेस द पीपल एंड देयर आइडियाज टूवर्ड्स द डिजायर गोल। लोगों को मैनिपुलेट कर पाना और लोगों को सप्रेस कर पाना, उनके आइडियाज़ को सप्रेस कर पाना, उनके बिहेवियर को सप्रेस कर पाना, उनके सोचने के तरीके को सप्रेस कर पाना या मैनिपुलेट कर पाना, यही मतलब होता है सिंपली पावर का। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। पावर जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। जो इंसान पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है, पावर का यूज़ कर रहा होता है, और जिन लोगों पर यूज़ कर रहा होता है, दोनों के बीच केवल एक साइकोलॉजिकल रिलेशन एग्जिस्ट करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विल, है ना। पावर मतलब कि आप दूसरों के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी जा करके। वो करना नहीं चाहते कोई चीज़, तब भी आप उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे वो काम करवा सकते हो, लोगों से। इसी को कहते हैं पावर। अब डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ थिंकर्स की। आर एम मैकाइवर कहते हैं कि पावर मीन्स द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स। इनका मानना है पावर का मतलब होता है एक फोर्स का प्रेजेंस। कैसे फोर्स का प्रेजेंस? जो रेगुलेट कर सके द बिहेवियर ऑफ पीपल, टू कंट्रोल देम एंड टू डायरेक्ट सच बिहेवियर। जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, जो लोगों के बिहेवियर को डायरेक्ट कर सके, ऐसे फोर्स फोर्स का प्रेजेंस ही पावर कहलाता है। और फिर अगली डेफिनेशन है बर्ट्रांड रसल की। इसका मतलब है पावर इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ अदर्स। दूसरों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी को ही पावर कहते हैं, ऐसा रसल भाई साहब का कहना है। ठीक है, और फिर लीगल टर्म्स में पावर का क्या मतलब होता है? भाई लीगल टर्म्स में मतलब होता है पावर्स आर अ क्लास ऑफ लीगल राइट्स, सच एज द राइट टू। आप अपनी वसीयत बनाते हो, इसका हक है आपके पास। आप जैसे कि किसी जजमेंट में, मतलब किसी जज के पास एक जजमेंट इशू करने का राइट होता है ना। जो अदर ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे थंबनेल में मैंने एक IAS ऑफिसर्स का जो एक फ़ोटो यूज़ किया एस्पिरेंट का जो था, है ना, तो उस उनके पास भी पावर होती है, इन ऑफिशियल्स के पास भी पावर होती है अपने फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए। ये भी लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये पावर उन्हें दी गई है, तो ऐसे लीगल राइट्स को भी जो है हम पावर मान सकते हैं। ठीक है, लीगल टर्म्स में अगर हम पावर को समझना चाहेंगे तो उसका यही मतलब होगा।
अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, लीगल रिस्पेक्ट में क्या डेफिनेशन है वो दी है डियास ने। इसका मतलब है पावर डिनोट्स द एबिलिटी इन अ पर्सन टू एग्जिस्ट एल्टर द एग्जिस्टिंग लीगल कंडीशन। पावर का सिंपल मतलब होता है कि एक इंसान के पास क्षमता है, एबिलिटी है कि वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे लीगल कंडीशंस को एल्टर कर सके, चेंज कर सके, खुद के लिए भी, वन सेल्फ यानी खुद के लिए भी कर सके और ऑफ अनदर फॉर बेटर और फॉर वर्स, दूसरों के लिए भी कर सके। अब भाई भले भाई वो लीगल कंडीशन को चेंज कर रहा हो बेहतर बनाने के लिए या फिर खराब बनाने के लिए, डिपेंड करता है उस पर, उस इंसान पर, उसकी साइकोलॉजी पर, उसके आइडियोलॉजीज पर, है ना। बट उसके पास ये क्या कहते हैं, एबिलिटी है, ये क्षमता है, ये इसी को पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये दियास की है जो कि लीगल रिस्पेक्ट में है कि लीगल कंडीशन आप एल्टर कर सकते हो तो आपके पास पावर एग्जिस्ट करती है, ये दियास कहते हैं लीगल रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया पावर। अब बात करते हैं अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी की पहली लाइन लिखी है कि भाई अथॉरिटी इज अ पर्सन और पर्सन्स और अ बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ कमांड, इट इज़ द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, है ना। पावर और राइट ऐसे जनरल वर्ड में लोग कह देते हैं, बट अभी के लिए अगर आप कॉन्सेप्ट के लिए क्लैरिटी चाहते हो तो पावर मत देखो, राइट टू गिव ऑर्डर्स, आपके पास हक है कि आप दूसरों को कमांड कर सकते हो, दूसरों को ऑर्डर दे सकते हो और दूसरों को उन्हें ओबे करना पड़ेगा। बट अब आप ये सोचोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वही लिख दिया अगला पॉइंट कि की डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी इज दैट अथॉरिटी इज ऑलवेज बैकेंड बाय लॉ। अथॉरिटी होती है किसी इंसान के पास, हमेशा किसी इंसान के पास होगी जो एक पोस्ट पर होगा, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पर होगा या फिर किसी प्राइवेट बॉडी की ऑफिशियल पोस्ट पर होगा, है ना। ये एक डेजिग्नेशन होता है, ये एक एक पोस्ट ऑफ ऑफिस होता है, ठीक है। हमेशा इसको लॉ की पावर होती है। आप इस मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी इंसान के गुंडों से जान पहचान है तो वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं। खतरनाक लोगों से अगर आपकी जान पहचान है तो आप दूसरों से डरा धमका के उनसे काम करवा सकते हो, आपके पास पावर हुई। बट क्या एक आईएएस ऑफिसर के पास, जो कि दूसरों से काम करवा सकता है, जो वो चाहता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरों को, बट उसको लॉ से है, ठीक है, वो लॉ है उसका जो बैकेंड, क्या आप उसकी अथॉरिटी के, उसके पावर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर वो कहता है वो चीज़ करने को तो उसके पास पूरा हक है, गवर्नमेंट ने उसको पूरा हक दिया है उस चीज़ का। कोई चार लौंडे लपाड़ी इकट्ठा करके इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है दूसरों के बिहेवियर को, लॉ है भाई, बैकेंड बाय लॉ है उसकी पावर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अथॉरिटी हमेशा, याद रखिएगा, ऑलवेज बैकेंड बाय लॉ। ये हमेशा आसान शब्दों में समझिए, अथॉरिटी जो उस इंसान के पास होती है जो किसी पोस्ट या ऑफिस पर जो है डेजिग्नेटेड रहता है, ठीक। और डेफिनेशंस आपको तो कुछ याद रखनी ही पड़ेंगी। साइमन के हिसाब से क्या है, अथॉरिटी में भी डिफाइंड एज द पावर टू मेक डिसीजन, है ना, विच गाइड द एक्शन ऑफ अनदर, है ना। पावर टू मे ऐसे डिसीजन ले पाना जो दूसरों के एक्शंस को गाइड करे। रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, वन सुपरवाइजर एंड द सबॉर्डिनेट, ये एक रिलेशनशिप है होती है इसमें एक सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच। और हेनरी फ्योल की भी एक डेफिनेशन है, वो है द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। अथॉरिटी गिव्स द मैनेजमेंट द पावर टू इन्फोर्स ओबीडियंस। दूसरों से ओबीडियंस करवा पाना, मैनेजमेंट के पास ये राइट हो, किसी सिंगल इंसान के पास ये राइट हो, किसी पॉलिटिकल बॉडी के पास ये राइट हो कि वो लोगों से ओबीडियंस करवा सकती है, अपने जो भी चीज़ वो करवाना चाहती है उनसे, कोई भी डिज़ायर्ड गोल को पाने के लिए उनसे अगर वो करा सकती, इस बात का उसके पास बैकेंड बाय लॉ एक पावर है तो वो अथॉरिटी कहलाता है, ठीक। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और इतना ही, और इसके बाद इतना ही अथॉरिटी। उसके बाद लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का लिटरल मीनिंग ये होता है लॉफुल और अकॉर्डिंग टू लॉ। इसका लिटरल मीनिंग ये होता है लॉफुल और अकॉर्डिंग टू लॉ, हालांकि फिर भी अथॉरिटी से अलग है, कैसे वो आपको समझ आएगा। लेजिटिमेसी इज द राइट और एक्सेप्टेंस ऑफ एन अथॉरिटी, है ना, यही इसका है डिफरेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है। राइट तो चलो है, ठीक है, अथॉरिटी जिस जिस पॉलिटिकल बॉडी के पास लेजिटिमेसी है, अथॉरिटी उसके पास होगी, बट साथ ही साथ लेजिटिमेसी में जो अथॉरिटी से डिफरेंस आता है वो आता है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का क्या, जैसे कि अगला पॉइंट में लिखा है कि द स्टेट एंड गवर्नमेंट हैव बीन प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर, देयरफॉर द पीपल शुड ओबे इट। जो स्टेट और गवर्नमेंट है जैसे हमारे देश की, उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं लोगों के लिए, लोगों के लिए प्रोसीजर्स बना रखे हैं और लोगों का मानना है ये कि ये उनके भले के लिए ही कर रहे हैं,
तो ये जो बिलीफ है, ये जो लोगों का फेथ है, यही देता है स्टेट जैसी पॉलिटिकल बॉडी को लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी लोगों के कंसेंट से मिलती है, उनके फेथ से मिलती है, उनके बिलीफ से मिलती है किसी भी पॉलिटिकल बॉडी को। जनरली लेजिटिमेसी की जब भी बात होती है तो पर्सन इंडिविजुअल की नहीं होती, वो हमेशा किसी स्टेट या पॉलिटिकल बॉडी की होती है। ठीक है, रॉबर्ट एडेल ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है एक कंडीशन के फॉर्म में। लेजिटिमेसी ऑफ अ स्टेट इज एक्सप्लेन बाय रॉबर्ट एडेल, किसी स्टेट के पास या पॉलिटिकल बॉडी के पास लेजिटिमेसी है ये हम तब कह पाएंगे जब इफ द पीपल टू होम इट यानी कि स्टेट ऑर्डर्स आर डायरेक्टेड टू बिलीव दैट द स्ट्रक्चर प्रोसीजर एक्ट डिसीजन पॉलिसीज ऑफिशियल और रूलर्स ऑफ गवर्नमेंट पोजेस द क्वालिटी ऑफ राइटनेस प्रोप्रियरिटी और मॉरल गुडनेस। जो भी पॉलिटिकल बॉडी है वो जो भी स्ट्रक्चर्स रखती है, डिसीजन बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, जो भी ऑफिशियल्स हैं उसके पास, जो भी उसके लीडर्स हैं, उनके पास एक राइटनेस है, उनके पास एक मॉरल गुडनेस है, वो हमारा भला ही करती है हमेशा। ठीक है, यही जो बिलीफ होता है ना, टू मेक बाइंडिंग रूल्स, बाइंडिंग रूल्स बनाती है, यही बिलीफ जो है उस पॉलिटिकल बॉडी को या फिर टू बी अगर कहें तो स्टेट को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। और यही बात, ये कंसेंट जो है लोगों का, यही अथॉरिटी से डिफरेंट बनाता है लेजिटिमेसी के कॉन्सेप्ट को। ठीक, एवरी स्टेट मेक्स कॉन्शियस एफर्ट टू अचीव हाई लेवल ऑफ लेजिटिमेसी। हर स्टेट जो है, पॉलिटिकल बॉडी जो है, वो स्टेट जो है, पॉलिटिकल बॉडी नहीं, यहाँ पे हर स्टेट जो है, जो है कॉन्शियस एफर्ट्स लगाता है जानबूझ के ताकि वो लेजिटिमेसी मान सके। लेजिटिमेसी मतलब कहने का यहाँ पे देखो पूरा एकदम मतलब अल्टरनेटिव यूज़ हो गया। लेजिटिमेसी एज अ कंसेंट के जगह यूज़ हुआ है, हाई लेवल ऑफ कंसेंट ऑफ पीपल की जगह कह दिया हाई लेवल ऑफ लेजिटिमेसी। समझ सकते हो, लेजिटिमेसी इज बेसिकली मीन द कंसेंट ऑफ पीपल। आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए समझ लो। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, ये बहुत अच्छा है एग्जाम्पल अगर आपको अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बीच डिफरेंस समझना है, वो ये कि मान लीजिए द बिहेवियर ऑफ अ बॉस ऑफ सम ऑफिस इज गुड, देन इट विल हैव कंसेंट, बट इफ द बिहेवियर टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड इमोरल, दैट ही विल नॉट हैव कंसेंट। सिंपल है, कोई ऑफिस में कोई बॉस है ना, वो अपने एम्प्लॉय के प्रति बड़ा ही रूड बिहेवियर करता है, उनसे काम निकलवाने के लिए बस बहुत स्ट्रिक्ट है, बस काम निकल जाए उसका, बाकी उसे एम्प्लॉयज़ के हालत के बारे में कोई लेना देना नहीं है, उसका बिहेवियर बहुत ही इमोरल है ना। तो ऐसे बॉस के प्रति जो लोगों का विचार है, जो उस ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ का जो ओपिनियन है उसके बारे में, हमेशा एक ख़राब सा ओपिनियन होगा, लोगों का कंसेंट नहीं होगा उस बॉस के प्रति। यही अगर किसी ऑफिस में एक ऐसा बॉस है जो लोगों से काम भी करवाता है बट उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचता है, वक्त वक्त पर छुट्टी भी देता है, ओवर टाइम करने पर फोर्स नहीं करता, अच्छे से बिहेव करता है, तो ऐसे बॉस के प्रति उस ऑफिस के एम्प्लॉयज का कंसेंट ज़्यादा होगा, है ना। तो बस यही डिफरेंस है, जो पहला वाला बॉस है जो अच्छा बिहेव करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, उसके पास लेजिटिमेसी ज़्यादा है दूसरे वाले बॉस से जो कि अपने एम्प्लॉयज के साथ खराब बिहेवियर करता है। तो अब आप समझ गए लेजिटिमेसी का क्या मतलब है। बस इतना ही आसान सा था ये तीनों कॉन्सेप्ट। हालांकि मैंने इसमें एक चीज़ कवर नहीं करी है, वो है पावर के टाइप्स और काइंड्स कह सकते हो या फिर, और अथॉरिटी के टाइप्स या काइंड्स जो हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने कवर नहीं करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको टाइप्स और काइंड्स भी करने हैं, मैं पार्ट टू करके बना दूंगा। ठीक है, मुझे लगा कि शायद कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम आती है, टाइप्स और काइंड्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। और हमेशा की तरह यार थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ इस वक्त, थोड़ा सा आए दिन काम पड़ जाता है इस वजह से। उम्मीद करूँगा कि डिसिप्लिन वीडियो में आ सके, टाइम टाइम पर वीडियो अपलोड हो सके। अगर नहीं होती है तो इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ ज़रूर आप फॉलो कर देना, वहाँ मैं MCQs, करंट अफेयर, GK के और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड रील्स वगैरह डालता ही रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो में डिसिप्लिन लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और यार इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आई तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।